तो हेलो गाइस, तो आज की स्ट्रीम के अंदर हम आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं टॉप 5 रियलिस्टिक शेडर जो कि आपकी गेम को बना देंगे और ज्यादा स्मूथ और ज्यादा रियलिस्टिक, जिसे देखने के बाद आप कहोगे ये तो टट्टी है। और इस टेक्सचर पैक के अंदर हम काफी सारे ऐसे टेक्सचर पैक देखने वाले हैं जो कि थोड़े अजीब हो सकते हैं। मतलब इसके अंदर आपको रेड, ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है जो कि मैं अभी खुद भी पहली बार देख रहा हूँ इस माइनक्राफ्ट के अंदर। तो चल लेते अपनी सपनों की दुनिया में। तो गाइस, जो हमारा पहला टेक्सचर पैक निकल गया था वो है डिस्टेंस। जो गाइस, ये कोई गाने का नाम नहीं है, मैं पहले बता दूं, बट हाँ इसके ऊपर एक गाना बना हुआ है। जो भी आपको उसमें अभी सूरज दिख रहा है जो कि हम सन कह सकते हैं, जो इसका पैक का नाम ही डिस्टेंस सन है, जो गाइस वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक बना दिया गया है बाय रिमूविंग द रियल सन। जो गाइस, जो रियल सन था वो काफी ज्यादा चौकोर होता था और अब इसको बना के एकदम गोल कर दिया गया है। और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आपने अभी मैंने अभी टाइम सेट करा सुबह का, जो गाइस देख सकते हो एकदम सुबह का टाइम है। इसमें आपको आफ्टरनून देखने को काफी ज्यादा मुश्किल, मतलब मुश्किल नहीं, एक जैसी दिखती है, मतलब रात और दिन थोड़ा वो सेम ही दिखता है काफी बार। इसके अंदर जो कि आप टेक्सचर पैक डालोगे इसके अंदर सेम ही दिखने वाला है जो कि एक कॉमन बात होती है। और गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो टेक्सचर पैक है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिससे कि आपकी जो गेम का एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा डबल हो जाएगा। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं रात करने वाला हूँ, तो आपको दिखाने वाला हूँ उसमें रात को आपको कैसा एक्सपीरियंस मिल सकता है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो आपको रात का एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा सेम ही दिखने वाला, मतलब हल्की सी इसकी ब्राइटनेस लो कर दी गई है, बट जो अपना वर्ल्ड है काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसी तरह के आप भी अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो और ये आपके लिए फोन के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। तो गाइस इसी के साथ आपको मैं आगे दिखा सकता हूं कैसे आप, अगर मैं यहाँ पर एक पंपकिन या एक लैंटर्न लगाता हूँ वो कैसे लगने वाली, जैसे कि आप देख सकते हो एकदम रियल लुक की आ रही है, जैसे आपको माइनक्राफ्ट में मिलती थी सेम वैसे ही आने वाली है। तो कैसे अगर आपको ये मोड डाउनलोड करना हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप जाके डाउनलोड कर सकते हो या आपको कमेंट में मिल जाएगी। तो इसी के साथ बढ़ लेते हैं अपने अगले मोड की तरफ। तो गाइस जो हमारा अगला टेक्सचर पैक निकल के आता है वो है रेड निबुला स्काई। तो गाइस काफी ज्यादा ओपी स्काई ये आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हो। गाइस इसके अंदर भी आपको एकदम रियलिस्टिक टेक्सचर पैक देखने को मिलता है जो कि आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और ये आपको जैसे कि देख सकते हो जो वनीला लुक था उसको रिमूव करके काफी ज्यादा इसमें कस्टम फ्लेवर इसमें ऐड कर दिया गया है और इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें हैं जो थोड़ी सी अलग लग सकती हैं। बाकी जो इसका स्काई है वो मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा क्योंकि रेड काफ़ी ज़्यादा वनीला लुक दे रहा था, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा ओपी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कैसे अगर आपको भी मोड डाउनलोड करना हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ में इसमें आपके और कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ बढ़ लेते हैं अपने अगले मोड की तरफ जो कि है क्रिस्पी क्रिसमस। तो आप लोगों को नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा होगा क्योंकि गाइस इसके अंदर जो आपको सन मिलने वाला है वो आपको थोड़ा रियल लाइफ वाला मिलने वाला है। और बेसिकली मैं बता दूं इसके अंदर जो टेक्सचर पैक है और साथ में जो ट्रीज के टेक्सचर वो सारे चेंज हो जाने वाले हैं। तो गाइस इसी मोड के अंदर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, मैं आपको पहले बता दूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी सी लुक जो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। और साथ ही साथ में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सनराइज करा और वापस से देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा माइनक्राफ्ट के अंदर जो डब्बे वाला सन होता है उसको रिप्लेस कर एकदम रियल लुक दे दी गई सन की, मतलब एकदम गोल और उसके साइड से भी एकदम कोने कोने से जो त्रिकोण निकल रहे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। साथ में जो ये डर्ट है काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रही है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये थोड़ा सुपर मारियो वाली फीलिंग दे रही क्योंकि ऐसी डर्ट जो सुपर मारियो में होती थी वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती थी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो पानी का इफेक्ट है जो वॉल है कोल है सब कुछ चेंज हो चुका है और इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें चेंज मिल जाएगी। इसी के साथ बढ़ लेते अपने टेक्सचर पैक की तरफ जो कि है, तो कैसे हमारा जो अगला टेक्सचर पैक है वो है एंगुलर फिश। जो कैसे ये जो मोड है जो टेक्सचर पैक है काफ़ी ज़्यादा ओपी है, वन ऑफ द बेस्ट शेडर या टेक्सचर पैक कह सकते हो आप, ये मेरे को पसंद लगता है क्योंकि जो इसके अंदर स्काई है काफ़ी ज़्यादा ओपी हो जाता है गाइस। मतलब रियल वर्ल्ड में ऐसा स्काई मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो माइनक्राफ्ट के ऐसे वर्ल्ड में टेक्सचर पैक ये वाला डालना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये जो ब्लूश एकदम वनीला फ्लेवर एकदम मतलब कह सकते हैं मिल्की वे जो बन जाता है काफ़ी अच्छा लगता है। और गाइस इसको जो आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब इसको जो यूज़ कर सकते हो आप स्काई वॉर्स में कर सकते हो, बैट वॉर्स में कर सकते हो, सर्वाइवल गेम्स में अंदर कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें जिसके अंदर यूज़ कर सकते हो जो आप मोड देख रहे हो टेक्सचर पैक देख रहे हो। बाकी जो चीज़ है वो वैसे की वैसी रहती है, मेन जो आपके ट्री हैं मतलब सारी वो वैसे ही वैसे रखते हैं, हल्के फुल जो टेक्सचर पैक है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि आप ट्री के देख सकते हो और जैसे आप नीचे डर्ट्स देख सकते हो थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने पहले बोला था आपको जैसे मारियो की लुक देखने को मिलती है वैसी आपको दिख जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं नीचे जा रहा हूँ जो आपका स्टोन है वो भी काफ़ी अलग हो चुका है, मतलब आपका जो टेक्सचर पैक का जो उसका कह सकते हैं मेन थिंग है वो चेंज हो चुकी है, लेकिन जो उसकी ऊपर की जो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था काफ़ी
ज़्यादा ओपी लग रहा था, और अंदर से जैसे कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुका है। मतलब जैसे कि अब नया अपडेट आया है उसके अंदर माइनक्राफ्ट ने काफ़ी ज़्यादा केव क्लिफ ऐड कर दी है, जिसके अंदर हमको ये देखने को मिलता होगा। सामने की तरफ जो लावा है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा जो है ऑरेंजेस और थोड़ा रेड का टेक्सचर इसमें दे दिया गया, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और बात करते हैं बाहर के स्काई की, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइस इसको अगर मैंने दिन करने की कोशिश की थी बट ये ऐसी रहा था, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और गाइस अगर आपको डाउनलोड करना हो तो जैसे मैंने कहा है लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो यार कमेंट में। तो गाइस इसी के साथ बढ़ लेते हैं अपने अगले टेक्सचर के पैक की तरफ, जो कि हमारा बबल रोस्ट। तो गाइस इसके अंदर भी आपको सेम चीज़ मिलती है, बस उसके अंदर आपको थोड़ी जो बायोम है, मतलब बायोम कह सकते हैं आपको जो ऊपर स्काई है वो थोड़ा रियलिस्टिक देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको पहला वाला डिस्टेंस अगर आपको नहीं पसंद आया तो आपको ये जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको ओवर कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। गाइस एकदम नॉर्मल वर्ल्ड है जो कि आपकी गेम को और ज़्यादा इनहेंस कर देगा। मतलब आपको ज़्यादा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई नॉर्मल चीज़ चाहिए तो आपके वर्ल्ड के अंदर काफ़ी अच्छी लगे तो आप पर्सनली मैं कहूँ आप ये डाल सकते हो, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट शेडर है मेरे को लगता है, टेक्सचर पैक है। और गाइस इसके अंदर आपको स्काई कस्टम स्काई देखने को मिल सकता है, आर्मर और टूल्स, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। रियल जैसी जो अपन क्लाउड है वो देखने को मिलता है, मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा ये मोड भी। मतलब मेरे को दो तीन मोड इसमें पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे, जो मैंने आपको बोला था। जैसे कि देख सकते हो इसमें जो सन है एक साइड से बादलों के बीच में कितना बढ़िया लग रहा है, ऊपर से आपको यहाँ पर क्लाउडी और कितने अच्छे, मतलब एकदम रियल वर्ल्ड जैसे लग रहे हैं यार ये। तो अगर आपको ये भी डाउनलोड कर सकते हो, बस जो उसमें आपको थोड़ा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो जो आगे पीछे करने के बटन्स होते हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, बस आपको थोड़े ब्लिश मिल सकते हैं, मतलब इतना तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ही लोगे। और आपका और अगर ये भी अच्छा नहीं लगा तो हम इसके बाद होर टेक्सचर पैक लेके जरूर आएंगे। अगर आपने इस वीडियो के कर दिए पूरे के पूरे 200 लाइक्स प्लीज़, अगर आप कर दोगे तो इसके अंदर हम आपको और भी अच्छे बेस्ट शेडर लेके आएंगे, मतलब टेक्सचर पैक लेके आएंगे या शेडर भी लेके आ सकते हैं अगर आप इस वीडियो पे कर दोगे 200 लाइक्स। होगा प्लीज़ कर दो 200 लाइक्स। तो आज की वीडियो इतना ही, अगर हम होपफुली आपको वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि हम 2K के काफ़ी करीब। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।